वेलकम टू नो स्टडी। और हम चलते हैं अपने वही ऐप है, हमारा एक ही ऐप है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम फर्जी उसमें चल पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है समय की बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू होती है, और जो समय जो भी चीज़ें होती है, जो आपको रेफर बाईपास और ये कुछ अन्य वगैरह वगैरह जो अर्निंग जो स्रोत होते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा टाइम खपा लेते हैं, और टाइम की थोड़ा वैल्यूशन हमारे पास बहुत कम है। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे कि कुछ करना भी ना पड़ो और पैसा भी अर्न हो जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा वो है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी पर हमने काम बहुत कर लिया। अब तो अब हमारा मन जो है वो पूरा हो चुका है। अब जो है अब हम क्या करने वाले हैं, लीप करने वाले हैं, मतलब कि अब जो वीडियोस हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, उनकी जो रेट है उनकी कम हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ शायद वीडियो डाला करता था, मैंने जितना भी हो सकता था मुझसे मैंने सब कुछ समझा दिया है अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है अब ज़्यादा कुछ, तो मैं आपसे ये बताऊंगा इस लास्ट वीडियो में कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम क्या है उसको लिखकर भेजिए कमेंट में, ठीक है। प्रॉब्लम अच्छी होती है, मुझे लगता है कि हाँ भाई साहब प्रॉब्लम सही है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर बर्बाद हो जाएंगे, भग नहीं जाएगी। तो देखिए दोस्तों, रिस्क जो होती है वो हमेशा लेनी पड़ती है। आपसे कोई नहीं कहेगा कि पैसा आपको कमाना है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत होंगे पढ़ने वाले विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी 0.3% की सक्सेस रेट होती है। इसमें आपको शामिल होना पड़ता है तब आपको जॉब मिलती है, ठीक है। किसी भी यदि शेयर मार्केट में यदि आप फंसते हो, मैं भी बहुत फंसा हूँ शेयर मार्केट में, तो उसमें भी दो होते हैं, प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। मैंने भी 8K से 1 लाख कर दिए थे, ठीक है, और 1 लाख से जीरो पर भी हो गया था मैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए पैसा कमाना जो है उसमें रिस्क जो होती है, सबसे बड़ा जो शब्द है ना वो रिस्क है। जो आदमी रिस्क उठाना जानता है ना, वो पैसा कमाना जानता है। ध्यान रखना ये चीज़ सबसे बड़ी है, और लास्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ लास्ट वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ, रिस्क फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मेरे पास निफ्टी के अलर्ट, मार्केट के अलर्ट क्यों आते हैं, ये वैसे नहीं आते हैं, इनको मैं खुद चलाता हूँ इस कारण आते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर थोड़ा बहुत उठाना भी पड़ता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत लगाइए, 890 से लगाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखा है, रजिस्टर कर लीजिए। और किसी को यदि यो सोचता है ना कि मुझे तो भाई कैशबैक चाहिए, मैं बिना कैशबैक को कुछ काम नहीं करता, मैं खुद दे रहा हूँ अपनी जेब से 50 रुपये आप सभी को कैशबैक 890 के रिचार्ज में। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे ढंग से, मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, क्या फ़ायदे हैं, कैसे प्रूफ होते हैं, कैसे पेमेंट होता है, मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों, सब कुछ, कुछ नहीं बचा अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में इतना ही कहना था, ठीक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, वो सभी अपना अपना प्रॉब्लम लिख के भेज दें, ठीक है दोस्तों। ये मेरी वो आईडी है जो हैक की गई थी, ठीक है, ये मेरी वो आईडी जो किसी ने चुरा ली थी। हैक तो क्या, हैक उसने हैक नहीं किया, चुराई थी, गलती से चुरा मांगी थी, क्योंकि मैं खुद सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैंने किसी वीडियो में पासवर्ड बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो क्या है वो उसने ये सारे रुपये जो थे वो निकाल लिए थे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अर्निंग होती है, लगातार अर्निंग हो रही है, और अर्निंग होगी, ठीक है, धीरे धीरे और भी आएंगे। ये विड्रॉल समरी है इसकी, ये विड्रॉल ये उसी व्यक्ति ने निकाला था हैकर ने, ये मेरे अकाउंट में नहीं आया था, 489 रुपये ये उसी ने ही अपने अकाउंट में ले लिए थे। मैंने बातचीत हो गई है उससे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है भाई, उसके पास पैसा ये कह रहा है कि उसके पास पैसा ही जीरो है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तू खा ले इनको, आप खुश रहने चाहिए। पर एक सीख मैंने उसे दी कि आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ठीक है। दूसरों का पैसा लेकर क्या करोगे भाई, कुछ नहीं होगा इन पैसों से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब, कभी आप यदि कहेंगे हमसे, आदेश देंगे कि भाई वीडियो बना दो, तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक काम ज़रूर करना, मैं आपसे लास्ट टाइम एक काम कहता जा रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करना, ठीक है, वीडियोज़ को शेयर करना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन कर भी लिया तो भाई रिचार्ज तो कर ही देना, मिनिमम रिचार्ज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिसको नहीं करना है ना तो वो मत करना, जिसको डर लगे ना वो कतई मत करना, जिसको डर लगता है ना वो बिल्कुल भी मत करना रिचार्ज, क्योंकि ये सोचिए कि आपका पैसा जा चुका। देखिए यही सोचना पड़ता है, वो ही होती है रिस्क।
रिस्क क्या होती है? रिस्क देखिए, हमने भी अपनी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए जो थे वो जीरो बनते देखे, तो वो ये रिस्क है भाई। रिस्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने अपने दोस्त जो है वो रिस्क पर चलता है, वो उसका शेयर मार्केट का ही काम है, तो उसने 0 रुपए से 10 लाख भी बना लिए भाई। रिस्क है, ये होती रहती है, रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। देखिए 0 से 10 लाख भी हुए, मेरे 1 लाख से 0 भी हुए, बट ये मैं कह सकता हूँ दावा कि 1 लाख से जब 0 हुए ना, उस समय मेरा इन्वेस्टमेंट केवल 8,000 था और उससे मैंने 13,000 भी कर लिए। देखिए कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, लाइफ पलटती रहती है इधर उधर, आपके ऊपर आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को उन्नति बना रहे हो। ठीक है दोस्तों।